Hi everyone, welcome to my channel Informatica Hub. I hope you guys are doing absolutely good. So basically this will be a kind of a generic motivational or a pathway videos where I will be trying to give you some inputs regarding you might be in class 12th right now, you might be in your engineering, you might be searching for a job, or you might be anywhere standing in the crossroad and not able to decide what next to do in your career. हर फेज में आता है ना, मीन्स एवरी टाइम इन योर लाइफ यू विल बी इन दिस काइंड ऑफ क्रॉसरोड, वेदर यू गेट अ जॉब, वेदर आफ्टर यू वॉन्ट टू स्विच, वेदर यू आर इन द जॉब, वेदर यू आर इन टू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, कुछ के लिए भी क्रॉसरोड में आप हमेशा खड़े रहोगे। और जहाँ पे आपको डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल होगा कि अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वॉट इज गुड फॉर यू एंड वॉट इज बैड मीन्स विच मूव कैन बी गुड फॉर यू, विच मूव कैन बी बैड। सो देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन दैट माइट बी कमिंग इन बिटवीन। सो आई थॉट चलो ये सब पे भी बातें करते हैं, बिकॉज बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट तो देते रहते, बट एटलीस्ट देर शुड बी सम कंटेंट दैट शुड बी गिविंग यू सम वे, लाइक इफ यू आर इन कॉलेज डेफिनेटली इट विल बी गोइंग टू हेल्प यू आउट, इन इफ यू आर इन द स्कूल डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट इन ऑर्डर टू चूज वट एवर यू आर चूजिंग। सो पहले वीडियो को स्टार्ट करते, सी वेयर एवर यू आर राइट नाउ, वेयर एवर इट माइट बी, ओके द थिंग इज दैट everywhere means we are into the 21st century and everyone is running behind each other. जो भी देख रहे हो यार, आपकी फ्रेंड जो कर रहे हैं वो आपको करना है, आपकी सोसाइटी में जो जिस चीज़ की मतलब वैल्यू मिल रही है वो आपको करना है, यू डोंट नो योर इंटरेस्ट। होता है भाई, होता है, बचपन में सबको इंटरेस्ट इनकलकेट करके नहीं भेजा जाता है। कुछ लोग होते हैं जो स्कूल में ही फिगर आउट कर लेते हैं कि मेरे को एथलीट बनना है, मेरे को सिंगर बनना है, मेरे को डांसर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को आईएएस बनना है, जो कि कुछ परसेंट है। एंड व्हाट आई फील एज पर माई एक्सपीरियंसेस कितना होता है, 10-20% लोग, वो भी इससे भी कम होते हैं, 80% लोग, 80% जिसमें मैं भी हूँ, जिसमें आप भी हो, एंड ऑल मे बी आप भी हो, आई एम नॉट टेलिंग, मे बी आप 20% वाले हो, पर और ऑल आर रनिंग बिहाइंड ईच अदर, ओके, ऑल आर रनिंग बिहाइंड ईच अदर, एंड दैट मे बी द रीजन राइट नाउ दैट वी आर लिविंग इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आई एम नॉट सेइंग इन दैट सेंस दैट इज वेरी डिफिकल्ट और समथिंग लाइक दैट, इट मे बी पॉसिबल दैट समवेयर लाइक यू आर फाइटिंग फॉर एन एग्जाम। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, फॉर इफ आई एम टॉकिंग इन रेस्पेक्ट टू अ क्लास 12 स्टूडेंट हु आर एन सीरियस एस्पिरेंट, जेई एस्पिरेंट, ओके, इट्स लाइक whatever hard work you may do, okay, whatever hard work may do, seats are limited, okay, 10-12k in IITs, 10-12 in NITs, means on an average 30k seats, okay, this is not, I am not demotivating you that you should not put your effort, see, one thing that you should do, that is putting your effort, and only for that I am telling you that you should not pull your leg behind in order to put the efforts, okay, because you don't know na when is your turn, When is your turn? You don't know exactly. So, अगर आप एफर्ट ही नहीं डालोगे तो टर्न ही नहीं आएगा, पहली बात। तो एफर्ट तो डालना ही है, बट एक वेरी फैक्ट मैं बताऊंगा हर लाइफ के हर पार्ट में जो आपको मिलेगा। तो पहले उसको हटाने के पहले थोड़ा मेरे को जान लो। जस्ट लाइक यू ऑल गाइज, आई एम एन IT पर्सन, एन IT गाई, एंड यस आई कीप एन इंटरेस्ट इन मेकिंग वीडियोज रिगार्डिंग IT कंपनीज, कॉलेज रिव्यूज, प्लेसमेंट एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, स्विचिंग एक्सपीरियंस, एंड टू एस फ्रॉम कैंपस टू कॉर्पोरेट, और फ्रॉम स्कूल टू कॉलेजेस, और इवन ऑन साइट, और एनीथिंग दैट यू कैन थिंक रिलेटेड टू अ कॉलेज, और एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ अ स्टूडेंट परसुइंग इंजीनियरिंग और एस्पायरिंग टू डू इंजीनियरिंग और एस्पायरिंग टू गेट इन टू एन IT कंपनी, एस्पायरिंग टू गेट इन टू एन कंसल्टिंग बेस्ड कंपनी, और एनीथिंग दैट इज रिलेटेबल, आई होप यू आर गेटिंग वॉट आई मीन। So I make videos in all these things. So if you're a little bit also interested in my channel, do check out. There are multiple videos regarding multiple companies and all that can be helpful for you some other way. और हाँ, अगर आप मेरे ही पैनल से हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, एक ही नीच के हैं हम लोग, कभी ना कभी फिर मुलाकात होगी, कुछ ना कुछ इनपुट अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। एंड आई ऑल्सो लव टेकिंग इनपुट फ्रॉम यू ऑल गाइज, सो इंटरेस्टेड हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो। आई एम in taking an effort in order to build a community where we all can share a genuine experience. अब बोलोगे ऐसा ऐसा बहुत प्लेटफॉर्म है भाई, वहाँ शेयर कर लेंगे, बट हाँ ये मेरी इनिशिएटिव है, यूट्यूब पे भी शेयर करते हैं, कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, व्हाट्स रॉन्ग दैट। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं बता रहा था एक क्रॉस रोड वाली पार्ट आती है हर फेज ऑफ लाइफ में, ठीक है, जब आपको डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। अभी जैसे क्लास 12th की अगर एग्जाम चल रही होगी, दे माइट बी थिंकिंग यार अब JEE का देखे, बोर्ड्स का देखे, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। आई अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, देर मे बी समवन हु इज स्टैंडिंग इन देयर कैंपस प्लेसमेंट राइट नाउ एंड मे बी थिंकिंग यार किस डोमेन में मिले,
ओके अभी जब चॉइसेस नहीं है, मार्केट डाउन है तो आप तो सोच रहे हो भाई कुछ भी मिले आई वॉन्ट टू स्टार्ट, इट ओनली डिपेंड अपॉन मार्केट टू मार्केट. सो चीज क्या होती है ना, लाइक सी वॉट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन दैट पार्ट. सी कॉन्फिडेंस इज द की ओनली, बिकॉज यू माइट बी सीइंग आई ऑलवेज फील दैट समवेयर इफ पीपल आर लैगिंग बिहाइंड there can be a reason, a big reason can be your confidence anywhere you are. Okay, you might be in your college, you might be in your school, and I'm sharing all this experience because us phase se main gaya hu, par hua hu, and what I feel in that part, aap bahut effort dal doge but the thing is that if you're not focused in the right direction, if your confidence are not up to the mark, you can't get what you are exactly expecting. aisa hoga, bahut bar hoga. So what exactly you should do na, take one mantra always, put your 100% effort whatever you are doing. See, every individual is different. Maybe someone can learn one thing in a 10 minutes while someone can take 1 hour. But your 100% it should be whatever you are doing. After doing all this thing, 2-3 things that is definitely mattering wherever you are. That is your confidence. Confidence literally will pull you back everywhere if you are not confident. And this is a very fact thing I'm talking about, whatever the situation might be. Feel confident. Feeling low, try to build up. Try to do something, try to do some activities, try to talk to someone. Try to get the input from multiple people and try to build up confidence. Kuch bhi karna baad mein, bhai, pehle confidence build karna is very important. Whatever you are doing. Okay, life mein kuch bhi sahi galat nahi hota hai, bhai. It's all actually depend ki aapki numbers kya aa rahi hai at the end. ओके आप अगर कुछ डिसीजन ले लेते हो, ठीक है, वो डिसीजन में आप नंबर्स नहीं स्कोर कर पा रहे हो, लाइक स्कूल में अगर आप मार्क्स नहीं ला पा रहे हो, एवरीवन इज जजिंग. मान लो कि जनरल केस में नहीं बता रहा हूँ, बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि आपने एफर्ट डाला, मार्क्स नहीं आ रही है, यू आर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर नंबर्स. ओके, सिमिलरली इट विल बी हैपनिंग इन फ्यूचर ऑल्सो. यू आर टेकिंग अ डिसीजन दैट इज गोइंग रॉन्ग, कहीं ना कहीं गलत जा रहा है, यू आर नॉट गेटिंग, मे बी फोकस की वजह से, मे बी कॉन्फिडेंस की वजह से, मे बी नॉट अलाइंड विद द इंटरेस्ट की वजह से, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. If you are not getting an output, even you are having a good, what I can say, backbone on that part also, people will be judging you that you don't know anything, literally. So the thing is that I am telling you, you will be judged on the basis of the numbers, on the basis of your success or failure. But it's nothing like right or wrong. It's people choice. People are judgmental. Match chal rahi hai. People are deciding ki Virat ko aisa khelna chahiye, तो धोनी को ये शॉट लेना चाहिए. यार दे आर देयर टू डिसाइड व्हाट टू प्ले देयर. ओके, दे आर हैविंग मच एक्सपीरियंस इन प्लेइंग दैट गेम. ओके, पीपल कैन नॉट, या पीपल आर मेड फॉर कमेंट्स. पीपल विल बी टेलिंग यू, पीपल आर मेड टू टॉक एंड पीपल आर मेड टू शेयर देयर ओपिनियन. यू शुड बी हैविंग आंसर टू दोज ओपिनियन एंड यू शुड एक्चुअली डोंट हैव टू बी इन दैट पार्ट. ओके, जब धोनी खेल रहा है उसे पता है कैसे खेल रहा है. विराट खेल रही है, गलत मूव होगी, बट वो कुछ सोच के वो गलत मूव लिया होगा. मे बी कुछ प्रेशर होगा, मे बी कुछ वैसा खेल के वो चाह रहा होगा कुछ ऐसा निकाले, मे बी उनकी थिंकिंग प्रोसेस गलत होगी. वही शॉट में अगर लग जाता अच्छा शॉट, देन इट विल बी लाइक भाई ही इज अ कैप्टन, कूल. वही शॉट अगर कैच आउट हो जाओगे, भाई क्या खराब खेला, क्या जरूरत था उस शॉट को लेने का, होता है ना. सो यू विल बी ऑलवेज जज. जब धोनी तक जज हो जाता है तो तुम क्या हो भाई, ठीक है. तो यू विल बी ऑलवेज जज ऑन द बेसिस ऑफ योर नंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजन दैट यू आर टेकिंग इज राइट और रॉन्ग, यू ऑन द बेसिस ऑफ, एट दैट आई विल टेल ऑन द बेसिस ऑफ योर नंबर. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, व्हाट की फैक्टर आई टोल्ड यू, वेर एवर यू आर राइट नाउ, मे बी फॉर अपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, जे एग्जाम्स, मे बी यू आर अपेयरिंग फॉर NITs, IITs, ठीक है, रिजल्ट आ जाएगी, एवरीवन विल बी अप्रिशिएटिंग यू. ऑन द अदर हैंड नहीं होगा भाई, कुछ लोग तो समझदार होंगे, देयर विल बी लॉट्स ऑफ पीपल हु अंडरस्टैंड यू. कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं भाई, ठीक है, दैट इज ऑलवेज द नेक्स्ट गेम, दैट विल माइट बी हैपनिंग विद द पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द क्रॉस रोड इन द प्लेसमेंट. इवन आफ्टर जॉब यू आर टेकिंग अ राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन, दैट विल बी ऑल्सो बेस्ड आउट ऑफ योर आउटपुट. सो यू विल बी ऑलवेज जज ऑन द बेसिस ऑफ एन आउटपुट. सो टू फैक्टर यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, डोंट हेयर पीपल ओपिनियन. यू नो वट इज गुड फॉर यू, वट इज बैड फॉर यू. ऑलवेज लिसन टू एवरी वन, ट्राई टू डू द एवरेज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू आर लिसनिंग एंड ट्राई टू डू द थिंग्स दैट यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट इन, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज द की इन एवरी, मतलब कुछ भी कर रहे हो कॉन्फिडेंस इज द की. उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है.
rest, focus, dedication, alignment, whatever you are doing, and a right direction. 4-5 things अगर आपके अंदर आ जाए भाई तो आपको कहीं भी खेलो मैच निकालते जाओगे. चौथा, लोग क्या बोल रहे हैं सोचना ही नहीं है. लेट देम टॉक, पीपल विल टॉक. ना धोनी तक को नहीं छोड़ रहे, तेरे को कैसे छोड़ देंगे. देर आर देर, दैट इज अ रीजन ब्रो. पीपल हैव टू शेयर देयर ओपिनियन. यू नीड टू शेयर व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपेक्टेड. तो अब क्या है, तू क्रॉस रोड पर खड़ा है, ठीक है. अब तेरे को डिसीजन लेना है कि जेई का पढ़े कि बोर्ड्स का पढ़े, इस कंपनी के लिए तैयारी करे, उस कंपनी के लिए. डू वॉट एवर यू आर फीलिंग सो, ओके. वॉट एवर यू आर कॉन्फिडेंट इन विच डोमेन यू कैन पुट मोर एफर्ट, बिकॉज एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा ब्रो. रिजल्ट आना नहीं आना वो तो दूर की बात है. यू हैव टू पुट योर एफर्ट. किसी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, किसी की एफिशिएंसी कम होगी, बट एफर्ट तो सबको डालना है, ठीक है. कुछ लोग गॉड ग्रेस होते हैं, 1-2% हो, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट रेस्ट 98-99% यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स. सो वेयर एवर यू आर, स्टार्ट पुटिंग एफर्ट राइट नाउ इन ऑर्डर टू सर्च अ जॉब. सो वेन एवर यू आर ऑन टू द क्रॉस रोड, एनी क्रॉस रोड, टू डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ट्राई टू फिगर इट आउट कि किसमें आप फोकस ज्यादा कर सकते हो, कौन से स्किल्स आपसे ज्यादा अलाइंड है, कौन से स्किल्स में यू फील मोर कॉन्फिडेंट, ओके. कौन से स्किल्स आपको लगता है कि आप इसको लेके इनकलकेट करके आगे बढ़ सकते हो, ओके. ये सारे चीज को लेके, मतलब जिसमें आपको कॉन्फिडेंस फील हो, जिसमें आपको लगे कि भाई इसमें मैं कर दूंगा, जिसमें कॉन्फिडेंस है, तो मैं मतलब 50% वेटेज तो मैं दे दूंगा भाई कॉन्फिडेंस जिसमें आपको फील हो रहा है. इन बाकी के 50% मैं दूंगा आपके इंटरेस्ट, अलाइनमेंट, फोकस, डेडिकेशन, ऑल द थिंग. ये चारा लेके निकल जाओ. आई एम सेइंग यू, व्हाटएवर एफर्ट्स यू आर पुटिंग, इफ योर कॉन्फिडेंस इज जीरो, योर आउटपुट विल बी टोटली आउटपुट. आई एम सेइंग यू, आउटपुट is always product of your output is always product of your confidence, okay. So suppose if your confidence is zero na, whatever efforts you might have taken, 100% effort, but 100 into zero is always a zero. Remember this thing, 100 into zero is zero. So confidence matter bro. After that each and everything matter. Luck, dedication, focus, and each and everything. People are there to judge you. They are sharing their opinion. Respect their opinion. Try to say something if you are having. But what to, why to say? You know what's better to play. Kohli know what's the next step he should play. Maybe he can be wrong. He can be correct depending upon the situation. But yes, he know what's better to take a next shot. Dhoni knows. It totally depend upon your output. You will be judged on the basis of your outputs, your number and all. So I hope this video is literally जस्ट टू गिव यू एन हेड्स अप. अभी किसी भी फेस पे हो, रोड मतलब किसी भी रोडस्केप पे हो जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंट, ट्राई टू फील कॉन्फिडेंट ऑन दैट पार्ट एंड स्टार्ट पुटिंग योर एफर्ट. योर एफर्ट, योर डेडिकेशन, योर अलाइनमेंट, योर स्किल्स इन टू योर कॉन्फिडेंस विल बी गिविंग यू द फाइनल आउटपुट. एंड यस, वॉट एवर यू विल बी गेटिंग, नेवर डाउट ऑन दैट थिंग. से learn from that. Maybe anyone will be getting 100% efficiency, someone may be getting 70%. Learn from that. Try to make more. Never. It's a race actually. Life is a race. You have to keep on going. You have to keep on going and come to a final conclusion. So I hope you got lots of insight from this video. If you think this video was little bit of also informative, don't forget to give a big thumbs up, subscribe and share it among your friend group. Unko share kar do bhai jo thoda under confident feel karte hain, jinko lagta hai ki bhai kya kar raha hu, kaise kar raha hu, kya decision lu, kya karu, beech mein khada hu, kuch samajh nahi aa raha. Share maro unko. लगता है कि भाई मेरे से बात करना पर्सनली किसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए, जॉब रिलेटेड इनफैक्ट आईटी कंपनी कंसल्टिंग, या फिर डिसीजन, कुछ भी डिसीजन लेने में, कौन से कॉलेज में जाना है भाई, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में कौन से कॉलेजेस में जाना, कनेक्ट विथ मी भाई. बट आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट, आई एम रेडी टू गिव यू एन इनपुट ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रॉब्लम, ओके. You can comment me in the comment box. You can find a topmate link below in the description box. From there, you can book a slot with me. Connect with me personally. I will be giving you input as per your personal needs and requirement. Even if you don't want to schedule a call, check out the Instagram link. Go to my Instagram. Put your messages over there. I am ready to help you out. And yes, always ready to help you out. And yes, can give you better insight as per my experience. Chalo, milte ek nahi video mein ek nahi informative.